और मैं हूँ रुखसार। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फेस्टिव कलेक्शन लहंगे का। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ बहुत ही अमेजिंग वाले लहंगे और एक लहंगा तो इतना हैवी है ना कि उठाया नहीं उठाया जा रहा है। सो यहाँ पर मेरे पास दो लहंगे हैं फ्रॉम जोश इंडिया, तो उनका ही मैं आज आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ, प्लस रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे पर्सनली ये कैसे लगे। जोश इंडिया एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां से आप एथनिक कलेक्शन शॉप कर सकते हैं एंड दे शिप वर्ल्ड वाइड, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से यहां से परचेजिंग कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट पर सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से मेंशन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या लेंथ मिल रही है, क्या विड्थ मिल रही है, कपड़ा कैसा है, फैब्रिक कैसा है, सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप पहले सब कुछ पढ़ लें उसके बाद में ऑर्डर करें, प्लस आपको रिव्यूज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट लहंगा है वो इस तरीके का मेहरून कलर का है और सभी जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपको इस तरीके के पॉली बैग में मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से साइड पर चेन वगैरह लगा हुआ है। तो आप जितने भी लहंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे वो आपको इस तरीके के एक पैकेट में रिसीव होंगे, प्लस ऊपर से नॉर्मल पैकिंग होती है इन सभी की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ साइड में फोटो कि आपको ये स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। ये पूरा नेट का ही लहंगा है, नेट का दुपट्टा है, प्लस इसमें ब्लाउज है। अब चेक कर लेते हैं कि हमें ये रिसीव कैसा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, सो यहाँ पर हम इसे कर रहे हैं ओपन। सबसे पहले तो मुझे ये ऐसे वर्क होता है ना, ये जाल जाल वाला, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। तो काफी सारे सूट्स भी आप लोगों ने मेरे देखे होंगे ऐसे ही। सो ओपन करते ही आपको ये देखें लहंगा आपका मिल रहा है। सो अब इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। सो ओवरऑल जो लहंगा है वो कुछ इस तरीके का है गाइज। पूरे में आप देखेंगे ना ये सीक्वेंस का काम है, ऑल ओवर पूरे लहंगे पर सीक्वेंस का काम है, मेहरून पर गोल्डन का काम है। और इतना ज्यादा आपको ना भड़कील नहीं लगेगा, बहुत ही महीन वाला काम है। इस पे छोटे छोटे सितारों का काम है, ऊपर बेल्ट की साइड पर बिल्कुल अच्छे से ये दिया हुआ है एंड काफी दबा हुआ है ये। और यहाँ पर चुन्नटों वाला ये आपको लहंगा मिलेगा, ये देखें ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से, एंड काफी ज्यादा हैवी है ये दोनों ही लहंगे, बहुत ज्यादा हैवी है। इसकी जो फुल विड्थ मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, काफी ज्यादा घेर वाला लहंगा है ये देखिए इस तरीके से। तो अब मैं आपको जरा करीब से इसका काम दिखा दूं, पूरा ही ये सीक्वेंस का काम है, सितारों वाला काम। और यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा पूरा बॉर्डर मिलेगा और इसमें और कोई भी काम नहीं है, पूरे में ही इस तरीके का है। सो यहाँ पर हम इसकी वेस्ट चेक कर लेते हैं, ये देखिए अगर आपकी वेस्ट 42 इंचेस से भी ज्यादा की है तो भी आपके बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसको आप देखें इस तरीके से फोल्ड करवाएं और बिल्कुल साइड में आपको केवल सिलाई लगानी है, बाकी ये पूरा रेडी है। यहाँ पर आपको केवल साइड में सिलाई लगवाकर ये आपका रेडी टू वेयर हो जाएगा। इसका जो फैब्रिक है ये है शिंटून काइंड ऑफ अ फैब्रिक, बट ये काफी थिक वाला फैब्रिक है। सो इसकी तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर जो कि मेन लहंगे वाली लेयर है। इसके बाद में अलग से आपको ये शिंटून की लेयर मिल रही है, दिस इज सेटिन काइंड ऑफ अ मटेरियल। और इसके नीचे आपको मिलेगी ये केन जो कि इस लहंगे को और ज्यादा हैवी बनाता है। और केन के नीचे आपको मिलेगी ये बुकरम वाली लेयर, सो इससे भी काफी ज्यादा हैवी हो जाता है आपका लहंगा। ऑल ओवर ये बहुत ज्यादा हैवी है और ऊपर से इसमें ये सीक्वेंस का काम। तो ये होगी हमारे लहंगे की बात। यहाँ पर आपको जो ब्लाउज मिल रहा है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न का मिल रहा है, इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल सेम है। ऑल ओवर आपको केवल ये वाला फैब्रिक मिलेगा, आपको फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट सेम एज इट इज मिलेगा, एंड अलग से यहाँ से आपको बाजू भी ऐसे ही आपको निकालनी होंगी। तो काफी अच्छे से ये आपको पूरा 1 मीटर का कपड़ा दिया गया है जिसमें आपका ब्लाउज जो है वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। दोनों ही चीजें यहाँ पर बिल्कुल मैच करती हुई है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और अलग से नहीं है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा जो है वो नेट का है यहाँ पर और पूरे में ये पर्ल्स लगे हुए हैं, बीड्स लगे हुए हैं। लहंगा चोली यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी है इसलिए दुपट्टे को काफी लाइट वेट रखा गया है, एंड दुपट्टे के नीचे वाली साइड्स पर आपको ये छोटे छोटे से टेसल्स मिलेंगे जो कि मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे, बट दुपट्टा वॉज वेरी नाइस। एंड इसका जो क्वालिटी है दुपट्टे की नेट की वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पिक से मैच करता हुआ मिल रहा है, एंड फैब्रिक भी काफी अच्छा है, मतलब अगर आप पहनेंगे तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसे देखने में तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट जब आप पहनेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दिस वन, बहुत ही ज्यादा हैवी लहंगा एंड काफी अलग पैटर्न का है गाइस। सो ये है हमारा येलो कलर का, प्लस इसमें काफी सारे कलर्स हैं। ओके, सो फोटो में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा
पिंक एंड येलो शेड का लहंगा है, नीचे पूरे में ही रफल्स हैं, प्लस इसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा डिफरेंट व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है, और ब्लाउज भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है मिरर वर्क वाला, तो देखने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब देख लेते हैं कि रियल में ये कैसा है। सो सबसे पहले तो मैं आपको लहंगा दिखा दूं, एग्जैक्ट जैसा आपको वहां पर दिख रहा है, बेल्ट तो बिल्कुल वैसी ही है। तो और जो नीचे वाला कपड़ा है, ये इसका जो कपड़ा यूज किया ना उन्होंने, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज किया है। बिल्कुल पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, बट इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, थोड़ा शाइनी शाइनी टाइप ऑफ फैब्रिक है। ऑल ओवर ही आपको ऐसा ही मिलेगा। ऊपर ना इसमें बॉक्स प्लीट्स डली हुई है, इसमें कोई वैसी नॉर्मल चुन्नट वाली प्लीट्स नहीं है, इसमें बॉक्स प्लीट्स डली हुई है। ओवरऑल आप देखें इस तरीके का ये पूरा है, यहाँ पर जो आप ऐसे ऐसे वाला डिजाइन देख रहे हैं ना, ये पूरे में ही चला हुआ आ रहा है। ऊपर येलो है, मतलब ये ओम्ब्रे शेड में है, ऊपर येलो है, नीचे व्हाइट है, और सबसे नीचे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, दिस इज पिंक शेड। और सबसे नीचे आपने जैसे फोटो में देखा होगा रफल्स लगे हुए हैं, वैसे ही इसमें भी रफल्स लगे हुए हैं। रफल्स से ना जो आपका घेरा है वो और ज्यादा काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। बहुत ज्यादा हैवी है ये लहंगा, मतलब उठाने पर ना मेरे हाथ भी दर्द होगा, इतने ज्यादा ये हैवी लहंगा है। और इसका जो बेल्ट है काफी चौड़ा बेल्ट है, जैसे इसका ब्लाउज का कपड़ा है उसी कपड़े की यहाँ पर बेल्ट दी गई है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हुए। तो अगर आप कुछ डिफरेंट और थोड़ा सा अलग दिखना चाहते हैं ना, तो आप ये वाला लहंगा ले सकते हैं। ओके, ये भी आपको 40 इंचेस की अगर आपकी पूरी हिप है तो बिल्कुल अच्छे से ये आपके आ जाएगा। इसमें लाइनिंग इन लोगों ने व्हाइट कलर की शेंटून के फैब्रिक की यूज की है, और लाइनिंग का कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। यह है इसकी फर्स्ट लेयर, और अब देख लेते हैं कि इसमें केन केन यूज है या नहीं। इसमें डबल ट्रिपल लेयर्स हैं, वैसे हमेशा लहंगों में अगर केन केन लगा होता है तो तीन ही लेयर्स होती हैं, इसमें आई थिंक 4 लेयर्स हैं। ये हो गया हमारा मेन फैब्रिक, देन ये आपका व्हाइट कलर का फैब्रिक, उसके अंदर ये लगा हुआ है हमारा केन केन, ये हो गया हमारी 3rd लेयर, एंड ऑल्सो दिस लास्ट लेयर जो कि बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की है। नीचे अगर आपका जो केन केन है वो पैरों में चुभता है चलते टाइम, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एक केन केन को हटाने के लिए लेयर दी गई है। तो यहाँ पर टोटल आपकी 4 लेयर्स हो जाएंगी, इसीलिए काफी ज्यादा हैवी है गाइस। इसमें घेर भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है, ये देखें, ये इसका घेर है ऑल ओवर ये। ओके, और इसकी अब हम बात करेंगे इसके ब्लाउज की। तो इसका जो ब्लाउज है वो है कुछ इस तरीके का, ये देखें, ये इसका फ्रंट पार्ट है, थोड़ा सा छोटा गला है इसमें, और बैक वाले पार्ट में भी इस तरीके का गला है। और इसमें जो काम है वो काफी ज्यादा महीन काम है, प्लस साथ ही साथ ये मिरर का वर्क है पूरे में, एंड नीचे वाली साइड पर जो कि आप स्लीव्स पर लगा सकते हैं या फिर आप नीचे वाले पार्ट पर लगा सकते हैं। इसको आप चाहे तो बिल्कुल जैसे फोटो में शो हुआ है बिल्कुल वैसे भी बनवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसमें जो काम है ना वो काफी ज्यादा दबा हुआ काम है। इसके साथ अलग से आपको स्लीव्स का कपड़ा मिल रहा है, ये देखें, ये आपका अलग से स्लीव्स का कपड़ा है, दोनों स्लीव्स के लिए अलग अलग से आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है। गोल्डन के ऊपर ये शेड काफी ज्यादा मिक्स एंड मैच कर रहा है, जैसे कि इसके बॉर्डर पे था बिल्कुल वैसा ही लगा हुआ है। एट लास्ट मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा दूं, दुपट्टा बिल्कुल नेट पर है, और जैसी ही कढ़ाई बिल्कुल आपको फोटो में दिख रही थी वैसे ही कढ़ाई आपकी हो रखी है। अगर आप लहंगे के साथ ना भी ओढ़े तो आप नॉर्मली भी इस दुपट्टे को ओढ़ सकते हैं, किसी रेड कलर के सूट के साथ या व्हाइट कलर के सूट के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ऑल ओवर इस तरीके का है, ये रियल मिरर नहीं है, ये फॉयल मिरर है, तो बिल्कुल शेप वैसी है, इससे काफी ज्यादा हैवी नहीं होता बट लुक वैसा ही आ जाता है। और ऑल ओवर दुपट्टे के चारों साइड्स पर इस तरीके की ये ट्राइंगल्स दिए गए हैं, 4 साइड्स पर है ये पूरे दुपट्टे के लुक, इस तरीके से दुपट्टा भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। अगर आप कुछ ना पहने, लहंगा ना पहने, तो आप इसको केवल दुपट्टे को भी कैरी कर सकते हैं अपने किसी सिंपल से सूट के साथ, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। जैसे अगर आप जयपुर वगैरह गए तो वहां भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइब्स आ रही है इनसे। सो एक बार मैं आपको दिखाऊं, मेरा पूरा बेल्ट भर चुका है, इतना ज्यादा हैवी है, ये 2 ही लहंगे इतने ज्यादा हैवी है। सो या आई होप कि आप लोगों को ये हॉल पसंद आया होगा, और जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इन सभी के लिंक्स आपको मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस जोश इंडिया का व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, इन पर COD भी अवेलेबल है, तो आप घर पे मंगवा कर भी पैसे दे सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।